नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति ये टॉपिक देखेंगे। 2020-21 में द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत DSE 1A अर्थात डिपार्टमेंटल स्पेशल इलेक्टिव सब्जेक्ट 1A के अंतर्गत काव्यशास्त्र यह विषय दिया गया है। इस विषय में तीन इकाई है, इसमें से दूसरी इकाई के अंतर्गत शब्द शक्ति यह टॉपिक दिया गया है। आज हम इसी टॉपिक का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम शब्द शक्ति का अर्थ समझ लेंगे, उसके बाद शब्द शक्ति के भेद और जो शब्द शक्ति के प्रमुख भेद है उन भेदों का अर्थात अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनका हम परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने काव्यशास्त्र पर और काव्यशास्त्र से संबंधित अनेक घटकों पर व्यापक मात्रा में विवेचन किया है। दूसरी ओर जो विभिन्न प्रकार के भाषा वैज्ञानिक है, मतलब जितना विवेचन है, जिस प्रकार का विवेचन काव्यशास्त्र के अंतर्गत हुआ है, उसी प्रकार से भाषा के संबंध में भी भाषा वैज्ञानिकों ने व्यापक मात्रा में विचार किया है। साथ ही व्याकरण में भी इस पर व्यापक मात्रा में विचार किया गया है और विशेषतः इसके अंतर्गत शब्द और उसके अर्थ को लेकर विद्वान व्यापक मात्रा में चर्चा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शब्द शक्ति यह ऐसा टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है जिसका संबंध काव्यशास्त्र से भी है, जिसका संबंध भाषा विज्ञान से भी है तथा इसका संबंध व्याकरण से भी है। मतलब व्याकरणकार, भाषा वैज्ञानिक और काव्यशास्त्रज्ञ सभी प्रकार के विद्वान इस टॉपिक पर या शब्द शक्ति के संबंध में व्यापक मात्रा में विचार करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी किंतु निरर्थक इकाई, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी इकाई ध्वनि है। ध्वनि का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ध्वनियों से मिलकर जब शब्द बनते हैं तो शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ माना जाता है। मतलब शब्द कभी निरर्थक या शब्द कभी बिना अर्थ के नहीं हो सकते। प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग या अपना एक विशिष्ट अर्थ अवश्य होता है। इसी कारण भाषा की सबसे छोटी किंतु सार्थक इकाई शब्द माना जाता है। मतलब कोई भी शब्द अगर आप देखेंगे, अगर उसे शब्द माना गया है तो उसका अर्थ किसी न किसी भाषा में अवश्य होगा। मतलब प्रत्येक शब्द का एक अर्थ अवश्य होता है और इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो शब्द और अर्थ का अत्यंत घनिष्ठ या अत्यंत नज़दीकी संबंध है। अब इसी शब्द को लेकर जब विद्वान विचार करते हैं तो शब्द से उसका अर्थ किस प्रकार प्राप्त होता है या किसी भी शब्द से उसका अर्थ कैसे प्राप्त होता है, इसको लेकर व्यापक मात्रा में विवेचन किया जाता है। और इसमें विद्वान ये मानते हैं कि शब्द से उसका अर्थ देने वाली जो शक्ति है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। क्योंकि शब्द शक्ति का अर्थ, शब्द का विग्रह अगर हम करें तो शब्द और शक्ति, मतलब शब्द की शक्ति, शब्द की शक्ति से तात्पर्य है शब्द से उसका अर्थ देने वाली शक्ति। इसका मतलब जब हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तब उसका एक विशिष्ट अर्थ हमारी समझ में आता है। अब यह अर्थ कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये बात अलग है, लेकिन किसी भी शब्द को सुनने के बाद हमें उसका एक अर्थ पता चल जाता है और शब्द से उसका जो विशिष्ट प्रकार का अर्थ है या उसका जो अपना एक अलग अर्थ है, ये अर्थ देने वाली जो शक्ति है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। मतलब शब्द शक्ति का सीधा सरल तात्पर्य है, सीधा सरल अर्थ है, मतलब है शब्द से उसका अर्थ देने वाली शक्ति। अब इसको लेकर वैयाकरण अर्थात व्याकरणकारों ने भी व्यापक मात्रा में विचार किया है और वैयाकरणों का मानना है कि जिस शक्ति या व्यापार द्वारा किसी शब्द से उसके अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो व्याकरणकारों का ये मानना है कि शब्द के
या शब्द से या शब्द के अर्थ व्यापार द्वारा, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है वह शब्द शक्ति है। इसी संबंध में व्याकरणकारों का कहना है कि शब्दार्थ संबंधा शक्तिहा, अर्थात बोधक शब्द और बोध पदार्थ या बोध अर्थ, इनके बीच जो संबंध है उस संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। बोधक शब्द और उसका बोध पदार्थ या बोध अर्थ के बीच में जो विशिष्ट प्रकार का संबंध है उसे व्याकरणकार शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति की सामान्य या एक प्रमुख परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द और उस सार्थक शब्दों के अर्थबोध व्यापार को या अर्थ को व्यक्त करने वाले मूल कारण को शब्द शक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है कि वाक्य में जो सार्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं उन सार्थक शब्दों का अर्थ देने वाली जो शक्ति है या उन सार्थक शब्दों का अर्थ सामने लाने वाली जो शक्ति है वह सामान्य रूप से शब्द शक्ति है। इस प्रकार से शब्द शक्ति का अत्यंत सीधा सरल तात्पर्य है शब्द की शक्ति, और शब्द की शक्ति का सीधा सरल मतलब अर्थ ये है कि शब्द से उसका अर्थ देने वाली शक्ति, शब्द का अर्थ बोध व्यापार या शब्द के अर्थ का बोध करने वाला व्यापार भी उसे कह सकते हैं। तो ये हुआ शब्द शक्ति का अर्थ। शब्द शक्ति का सीधा सरल अर्थ है कि शब्द सुनने बोलने पढ़ने के बाद उसका जो हमें अर्थ प्राप्त होता है वह अर्थ देने वाली जो शक्ति है उसे सामान्य रूप से शब्द शक्ति कहा जाता है। तो ये हुआ शब्द शक्ति का अर्थ। अब हम शब्द शक्ति के भेदों पर विचार करेंगे। अब शब्द शक्ति के भेदों को लेकर विद्वानों द्वारा व्यापक मात्रा में विचार किया गया है और शब्द के तीन प्रकार माने गए हैं। एक है वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। अब इन तीनों से जो अर्थ निकलते हैं उन्हें क्रमशः वाचार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। मतलब वाचक शब्दों से जो अर्थ निकलता है उसे वाचार्थ कहते हैं, लक्षक शब्दों से जो अर्थ निकलता है उसे लक्षार्थ कहते हैं, या व्यंजक शब्दों का जो अर्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। और इन तीनों अर्थों को व्यक्त करने वाली तीन प्रकार की शब्द शक्तियां मानी जाती है जिनके नाम क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। इसका मतलब अगर हम एक संयुक्त रूप से देखें तो अभिधा शब्द शक्ति से वाचक शब्दों के अर्थ का बोध होता है, अर्थात वाचक शब्द के वाचार्थ का बोध होता है। तो अभिधा वाचक शब्द वाचार्थ, अभिधा शब्द शक्ति से वाचक शब्दों के वाचार्थ का बोध होता है। लक्षणा शब्द शक्ति से लक्षक शब्दों के लक्षार्थ का बोध होता है, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति लक्षक शब्द लक्षार्थ, और व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंजक शब्दों के व्यंग्यार्थ का बोध होता है, अर्थात व्यंजना व्यंजक शब्द और व्यंग्यार्थ। इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शब्द तीन प्रकार के मुख्यतः माने गए हैं, उनके तीन प्रकार के अर्थ माने गए हैं। इसी कारण अधिकांश विद्वान शब्द शक्तियों के भी तीन भेद या तीन प्रकार मानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन कुछ विद्वान हैं कि जिन्होंने तात्पर्य नाम का एक चौथा भेद भी माना है लेकिन उसे अधिक विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मुख्य भेद तीन ही माने जाते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम पहले भेद का विचार करेंगे, अभिधा। जब किसी शब्द को हम सुनते हैं तो किसी शब्द को सुनते ही या उसका उच्चारण करते ही अगर तुरंत उसका अर्थ हमारी समझ में आता है तो वह अर्थ वाचार्थ कहलाता है। किसी शब्द को सुनते ही या किसी शब्द का उच्चारण करते ही तुरंत अगर उसका अर्थ समझ में आता है तो वह अर्थ वाचार्थ कहा जाता है। वाचार्थ को ही मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहा जाता है। तो वाचार्थ का ही दूसरा नाम है मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ, और इस मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ को व्यक्त करने वाली या प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति।
वाचार्थ से, उसके अर्थ को या वाचक शब्दों से उसके वाचार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो जिस शक्ति के द्वारा वाचक शब्दों से उनके वाचार्थ का बोध होता है या वाचक शब्दों से वाचार्थ समझ में आता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। मतलब अभिधा शब्द शक्ति का सीधा सरल तात्पर्य या सीधा सरल मतलब ये है कि वाचक शब्दों से वाचार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा है। तो सामान्यतः जैसा कि हम जानते हैं किसी भी शब्द को जब हम सुनते हैं या किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तब उसका एक चित्र या उसका एक भाव हमारे मन में तत्काल निर्माण होता है, तुरंत निर्माण होता है। हमें किसी भी प्रकार से व्यापक सोच विचार नहीं करना पड़ता है या हमें किसी भी अन्य प्रकार से सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो सीधा सरल अर्थ देने वाली शब्द शक्ति है उसे अभिधा कहा जाता है। और अभिधा से जिन शब्दों के अर्थ प्राप्त होते हैं उन शब्दों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्दों से मतलब है परंपरागत रूप से चले आ रहे शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पहले प्राचीन काल में भी होता था और अब भी उसी अर्थ में उसी रूप में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे हैं योगरूढ़ शब्द, जिन शब्दों में से कुछ भाग जो है वह पहले आता था अब उसमें से कुछ भाग लिया गया है, कुछ भाग थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है और ऐसा मूल और परिवर्तन मिक्स करके एक जो नए शब्द बनाए गए हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। और तीसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से तात्पर्य है नए शब्द। प्रत्येक भाषा अपने नवीन शब्द बनाते हैं और उन नवीन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन तीनों शब्दों के अर्थ जो है वो अभिधा शब्द शक्ति से पता चल जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा गाय, अब गाय कहने से तत्काल हमारी आंखों के सामने गाय का चित्र आ जाता है। अगर मैंने कहा घोड़ा तो घोड़ा कहने से तत्काल घोड़ा का एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। मतलब गाय घोड़ा ऐसे अनेक शब्द हैं जिन्हें हम जब उच्चारण करते हैं या जिन्हें हम जब सुनते हैं तब उनका अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती या हमें किसी भी प्रकार से अन्य पद्धति से सोचना नहीं पड़ता। ऐसे सीधे सरल जो शब्द होते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं और इन वाचक शब्दों से जो अर्थ निकलता है उसे वाचार्थ या अभिधेयार्थ कहा जाता है। और इस वाचार्थ या अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। और सामान्य व्यवहार में, बोलचाल में, बातचीत में, विचार विनिमय में या प्रत्यक्ष समाज व्यवहार में अगर हम देखें तो सर्वाधिक मात्रा में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां तक काव्य की बात है, काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया अवश्य जाता है लेकिन अधिक मात्रा में नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि आचार्य आनंद वर्धन आदि कुछ ऐसे आचार्य हैं जो अभिधा युक्त काव्य को अधम काव्य मानते हैं। मतलब अभिधा युक्त काव्य को बुरा काव्य माना जाता है, इस कारण अभिधा का प्रयोग काव्य में कम मात्रा में किया जाता है, जो कि लक्षणा या व्यंजना का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। फिर भी कुछ स्थानों पर अभिधा का प्रयोग करना आवश्यक हो ही जाता है। अब अभिधा का एक उदाहरण है, चलो चलो इस अमल तास के फूल न तोड़ो, ठीक नहीं यह इस रसाल की ममता न छोड़ो। चलो चलो इस अमल तास के फूल न तोड़ो, ठीक नहीं यह इस रसाल की ममता न छोड़ो। अब यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ अर्थ लगाने के लिए कोई सोच विचार नहीं करता कि कवि कह रहा है कि चला चलो चलो ये जो अमलतास फूल है इसके फूल मत तोड़ो या इसे नुकसान मत पहुंचाओ क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये बड़ा रसील है या बड़ा लजीला है इसलिए आप उसे परेशान मत करो। तो सीधा सरल अर्थ है, हमें इस अर्थ लगाने के लिए किसी भी प्रकार का सोच विचार नहीं करना पड़ता या किसी भी प्रकार की कोई कल्पना हमें यहाँ नहीं करनी पड़ती है। और ऐसा जहाँ होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है, क्योंकि ऐसे सामान्य जो अर्थ होते हैं जिन्हें वाचार्थ हम कहते हैं उन वाचार्थों को प्रकट करने वाली
शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। ये हुई पहली शब्द शक्ति अभिधा। अब दूसरी शब्द शक्ति देखते हैं, लक्षणा। जब अभिधा से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, जब अभिधा शब्द शक्ति से शब्द के अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात उसे कहते हैं मुख्यार्थ में बाधा पड़ जाना, उसे कहते हैं मुख्यार्थ में बाधा पड़ जाना। तो जब ऐसी मुख्यार्थ में या अभिधेयार्थ में बाधा पड़ जाती है, तब रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर हमें दूसरा अर्थ लगाना पड़ता है, और ये दूसरा अर्थ जो होता है वह लक्षार्थ कहलाता है, और इस लक्षार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। मतलब सीधा सरल तात्पर्य है कि जब अभिधा से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जब मुख्यार्थ पता नहीं चल पाता, तब हमें रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर दूसरा अर्थ लगाना पड़ेगा, और ये दूसरा अर्थ जो होगा वह लक्षार्थ होगा, और इस लक्षार्थ को व्यक्त करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे लक्षणा कहा जाता है। अब लक्षणा के संबंध में आचार्य मम्मट ने कहा है कि मुख्यार्थ सिद्धि में बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अभिधेयार्थ से संबंधित दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा है। तो या इस परिभाषा को अगर हम देखें, या लक्षार्थ के संबंध में जो विवेचन हमें मिलता है, लक्षणा के संबंध में विद्वानों ने जो विवेचन हमें दिया है, उस विवेचन के आधार पर लक्षणा के संबंध में हम तीन महत्वपूर्ण बातें बता सकते हैं, जिसमें पहली है मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है। लक्षणा में तीन महत्वपूर्ण बातें। एक, मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, मतलब शब्द सुनने के बाद तत्काल अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तत्काल उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, पहली बात है। दूसरी बात है, तब हमें जब मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, तब हम रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर दूसरा अर्थ लगाते हैं। और तीसरी बात है, ये दूसरा अर्थ जो हम लगाते हैं वह यद्यपि अलग अर्थ है, फिर भी उसका संबंध मुख्यार्थ से ही होता है, मतलब लक्षार्थ और मुख्यार्थ इनके बीच संबंध होता है। तो यह संबंध बताने वाली या इस प्रकार के शब्दों से उनके अर्थ देने वाली जो शब्द शक्ति है उसे कहते हैं लक्षणा। यही बात हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह गधा है। अब इस वाक्य को अगर हम देखें, तो अगर इसका अर्थ कोई पता नहीं है या इसके बारे में कोई जानता नहीं, ऐसे व्यक्ति को ये वाक्य बताया जाए, तो वह समझेगा कि वह गधा है, मतलब उसके चार पैर हैं। क्योंकि वह गधा है, इस वाक्य का सीधा सरल मतलब है कि वह शारीरिक दृष्टि से गधे जैसा है, या उसके शरीर की रचना गधे जैसी है, लेकिन यह इसका अर्थ ये नहीं है। तब मतलब मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई। अब मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई तो हम रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अर्थ लगाएंगे। तब यहाँ रूढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, और हमारी परंपरागत रूढ़ी परंपरा के अनुसार हम गधे को मूर्खता का प्रतीक मानते हैं। इस कारण वह गधा है, इसका अर्थ है वह मूर्ख है। वह गधा है मतलब गधे जैसे चार पैर नहीं है, गधा है मतलब वह मूर्ख है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई, जिसके कारण हमने रूढ़ी के आधार पर दूसरा अर्थ लगाया, और ये दूसरा अर्थ लक्षार्थ है, और इस लक्षार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा है। यही बात हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, गांधी जी डेढ़ पसली के आदमी थे। अब यहाँ कोई भी मनुष्य सच में डेढ़ पसली का नहीं होता। जनरली या सामान्य तौर पे देखें तो 12 पसलियाँ मानी जाती है। यहाँ गांधी जी को डेढ़ पसली का कहा गया, मतलब सच में उनकी डेढ़ पसलियाँ नहीं है, तो मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई। उसी प्रकार से और एक वाक्य है, मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, तो कोई क्या सच में सिर पे आके नहीं बैठता। तो यहाँ सिर पे बैठने का या डेढ़ पसली, ये मुहावरे हैं, और इन मुहावरों के अपने अलग अर्थ हैं। मतलब यहाँ मुख्यार्थ में बाधा पड़ जाती है, मुख्यार्थ समझ में नहीं आता है, तब दूसरा अर्थ लगाना पड़ता है, और ये दूसरा अर्थ रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर लगाते हैं। जैसे डेढ़ पसली का होना इस मुहावरे का जो दूसरा अर्थ है, या जो रूढ़ी के आधार पर लगाया गया अर्थ है, वह अर्थ है दुबला पतला होना। मतलब गांधी जी डेढ़ पसली के आदमी है, इसका तात्पर्य होगा गांधी जी दुबले पतले आदमी हैं।
उसी प्रकार से जो दूसरा वाक्य हमने देखा, मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, इसका भी सिर पर बैठना एक मुहावरा है या एक कहावत है, और इस संदर्भ में इसका जो दूसरा अर्थ है, जो लक्षार्थ है, वह है परेशान करना। तो यहाँ अभी कहने वाले का अभिप्राय ये होगा कि मुझे परेशान क्यों करते हो। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई, और मुख्यार्थ में बाधा पड़ जाने के कारण हमने दूसरा अर्थ लगाया। अब दूसरा अर्थ कुछ मात्रा में अभिधार्थ से ही संबंधित होगा, फिर भी वह अलग या दूसरा अर्थ होगा, और ये दूसरा अर्थ को लक्षार्थ कहेंगे, और उसे व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा है। अब जहाँ तक काव्य की बात है, काव्य में लक्षणा का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और लक्षणायुक्त काव्य को मध्यम काव्य कहा गया है। जैसे कुछ उदाहरण कविता के अगर हम देखें, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। दूसरा एक उदाहरण है, चाहे जितना अर्घ चढ़ाओ पत्थर पिघल नहीं सकता, चाहे जितना दूध पिलाओ अहिविष निकल नहीं सकता। इन दोनों ही उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तब हमें मुख्यार्थ से संबंधित किसी दूसरे अर्थ को देखना पड़ता है, और ये दूसरा अर्थ लक्षार्थ है, और उसे व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। अब इस लक्षणा के भी दो उपभेद माने गए हैं, एक है रूढ़ी लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा से तात्पर्य है जब मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, जब मुख्यार्थ समझ में नहीं आता, तब हम दूसरा अर्थ लगाते हैं। ये दूसरा अर्थ जो होता है वो भले ही मुख्यार्थ से संबंधित हो, लेकिन वो अलग एक अलग अर्थ है, और ये अलग अर्थ हम जब रूढ़ी के आधार पर लगाते हैं तो उसे रूढ़ी लक्षणा कहते हैं। मतलब हमने लक्षणा में देखा कि जो दूसरा अर्थ हम लगाते हैं वो रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर रूढ़ी के आधार पर हम दूसरा अर्थ लगाते हैं तो वह रूढ़ी लक्षणा होगी, और प्रयोजन के आधार पर अगर हम दूसरा अर्थ लगाते हैं तो वह प्रयोजनवती लक्षणा होगी। तो इस प्रकार से ये दो भेद है। जैसे कवि अनूठे कलम के बल से है बड़ा कमाल कर देते, कवि अनूठे कलम के बल से है बड़ा ही कमाल कर देते, बेंधने के लिए कलेज को है कलेजा निकाल धर देते। तो यह दूसरी पंक्ति के अर्थ को अगर हम समझना है तो हमें लक्षार्थ को कि कलेज को बेंधने के लिए कलेजा निकाल के धरना, यहाँ पर लक्षणा या रूढ़ी लक्षणा का प्रयोग है। उसी प्रकार से फटा हुआ था नील वसन क्या अवयौवन की मतवाली, फटा हुआ था नील वसन क्या औ यौवन की मतवाली, देख किंचन जग लुटता तेरी छवि भूली भाली। यह कवि ने अपनी नायिका की छवि का वर्णन किया है, और ये वर्णन करते हुए उन्होंने जानबूझकर या विशिष्ट उद्देश्य से, प्रयोजन से फटा हुआ वसन या फटा हुआ आकाश उसे कहा है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। तो ये हुई दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा। अब हम तीसरी और अंतिम शब्द शक्ति पर आते हैं, वह है व्यंजना। जब अभिधा से भी अर्थ प्राप्ति नहीं होती, जब व्यंजना से भी अर्थ प्राप्ति नहीं होती, तब हमें एक तीसरा अर्थ लगाना पड़ता है। देखिए, जब अभिधा और लक्षणा दोनों ही शब्द शक्तियों से अर्थ प्राप्ति नहीं होती, इसका मतलब यह है कि सीधा सरल अर्थ भी समझ में नहीं आता, साथ ही जो रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर लगाया गया अर्थ है वह भी समझ में नहीं आता, तब हमें एक तीसरा अर्थ लगाना पड़ता है, और ये तीसरा अर्थ जो है वह व्यंग्यार्थ कहलाता है, और इस व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। अब यह व्यंग्यार्थ जो है वह एक विशिष्ट रूप से प्रकट होने वाला अर्थ होता है। मतलब ये कोई ऐसे सोच समझ कर लगाया गया अर्थ नहीं होता, वो विशिष्ट रूप से अपने आप में एक अलग रूप से प्रकटने वाला अर्थ होता है, इसी कारण उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। या अनेक बार ऐसा भी होता है कि काव्य पंक्तियों में एक साथ दो दो अर्थ होते हैं, कभी एक सामान्य सीधा सरल अर्थ होता है, तो कभी कभी उसके पीछे एक आंतरिक रूप से या एक अंतर्गत रूप से प्राप्त होने वाला दूसरा एक अर्थ होता है। ये पहले वाला जो अर्थ होगा वह अर्थात मुख्यार्थ होगा, अभिधा से प्राप्त अर्थ होगा, लेकिन जो दूसरा विशिष्ट रूप से प्राप्त होने वाला अर्थ होगा वह निसंदेह व्यंग्यार्थ, और उसे व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना माना जाएगा। अब यही बात हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक वाक्य है, शाम हो रही है,
शाम हो रही है। अब इस वाक्य का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होगा। अगर समझ लीजिए घर में दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि शाम हो रही है, मतलब उनका तात्पर्य क्या होगा, चलो अब दिए जलाने चाहिए। अगर यही बात खेतों में दो किसान काम कर रहे हैं, एक किसान दूसरे से कहता है शाम हो रही है, तो उसका तात्पर्य होगा अब घर चलने की तैयारी करनी चाहिए। और यही वाक्य अगर एक चोर दूसरे चोर से कहता है तो उनका तात्पर्य होगा चोरी की तैयारी करनी चाहिए। मतलब वाक्य एक ही है लेकिन अलग अलग संदर्भों में उनके अर्थ अलग अलग है। तो इसी प्रकार से जब एक ही वाक्य के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं तो ये अलग अलग अर्थ देने वाली जो शब्द शक्ति है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। एक कविता का पंक्तियों का उदाहरण लेकर हम इस बात को समझ सकते हैं। एक पंक्तियाँ है, माली आवत देख के कलिया करे पुकार, फुली फुली चुनी ले काली हमारी बार। माली आवत देख के कलिया करे पुकार, फुली फुली चुनी लई काली हमारी बार। अब इस पंक्ति में ऊपर से ऐसा लगता है कि माली को माली आवत देख के, मतलब माली को आता हुआ देखकर कलिया करे पुकार, कलिया पुकार करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। क्यों चिल्लाने लगी? क्योंकि फुली फुली चुनी लिए, माली ने कल जो फूले फूले फूल थे, जो विकसित हुए हुए फूल थे, उन सब फूलों को माली ने चुन लिया था। शायद इसलिए सोचा काली हमारी बार, क्या आज हमारी बारी आ गई है और आज ये माली हमें तोड़ने के लिए आ रहा है। ये भाव कलियों के मन में निर्माण हुआ और कलिया पुकारने लगी। ये ऊपर से अर्थ लगता है लेकिन यहाँ ये अर्थ है नहीं। ये ऊपर से अर्थ लगता है लेकिन ये अर्थ या है नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक अलग अर्थ है जिसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं और वह है या माली से तात्पर्य है यम या यमराज, और कलियों से तात्पर्य है आत्माएं। तब माली आवत देख के, मतलब यमराज को आता हुआ देखकर ये आत्माएं रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि जो फूले थे अर्थात जो बूढ़े थे, जिनकी आयु बहुत हो चुकी थी, ऐसे सबको कल उसने उठा लिया है, शायद आज हमारी बारी आ गई है। ये समझकर विभिन्न आत्माएं डरने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। ये इसके पीछे ये भाव है। मतलब ऊपर से यहाँ पर एक कलियों का उदाहरण जरूर लगता है लेकिन अंदर से एक आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक बातें बताने का प्रयत्न कवि इस माध्यम से करते हैं। और इस प्रकार से दोहरे अर्थ की अभिव्यक्ति जहाँ होती है, या इस प्रकार से ऊपर से अलग अर्थ लेकिन अंदर से एक दूसरा विशिष्ट अर्थ जहाँ निकलता है, वह विशिष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है और उसे व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। अब व्यंजना के भी दो मुख्य भेद है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना का तात्पर्य है कि जहाँ शब्द का अर्थ शब्द पर आधारित होता है या किसी भी प्रकार की जो व्यंग्यार्थ है वह शब्द पर आधारित होती है। मतलब अगर शब्द बदल दिया जाए तो व्यंग्यात्मक सौंदर्य नष्ट हो जाता है या व्यंग्यात्मक अर्थ नष्ट होता है। मतलब उन पंक्तियों में शब्द महत्वपूर्ण होता है क्योंकि व्यंजना या व्यंग्यार्थ शब्द पर निर्भर करता है। ऐसे व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे चीर जो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, चीर जो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी जा ऋष भानुजा वे हलधर के वीर, को घटी ऋष भानुजा वे हलधर के वीर। अब इन पंक्तियों में ऋष भानुजा और हलधर के वीर ये ऐसे शब्द है कि जो श्लेष शब्द है या श्लिष्ट शब्द उन्हें कहा जाता है और उसमें व्यंजना है। अगर ये शब्द निकलकर उनके या इन शब्दों को निकालकर उनके समानार्थक शब्द उनकी जगह डाल दिए जाए तो काम नहीं चलता, व्यंग्यार्थ खत्म होता है या दूसरा अर्थ नष्ट हो जाता है। ऐसा जहाँ होता है उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में जो व्यंग्यार्थ है वह अर्थ पर आधारित होता है। मतलब या शब्द बदल भी दिया जाए, उसी अर्थ का दूसरा शब्द डाला तो भी काम चल जाता है, शाब्दी व्यंजना में नहीं चलता क्योंकि शाब्दी व्यंजना में चमत्कार शब्द पर आधारित था, इसलिए शब्द बदल दिया तो काम नहीं चलता। लेकिन यहाँ उसी अर्थ का दूसरा शब्द अगर डाल दिया जाए तो भी व्यंग्यात्मक अर्थ वही रहता है। ऐसी व्यंजना जो होती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। जैसे स्वयं को सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हमें भेज देते हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यहाँ पर
ये जो पंक्तियाँ है वह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित उर्मिला साकेत इस महाकाव्य में उर्मिला की पंक्तियाँ हैं। और जब लक्ष्मण उसे छोड़कर अपने भाई और भाभी के साथ चले जाते हैं, उस समय वह अपना वियोग और अपना दुख व्यक्त करती है अपने सखियों के सामने। उस समय वह व्यंग्यार्थ के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करती है। अब इस पंक्तियों में अगर हम कुछ शब्दों के अर्थ बदल भी दें तो भी अर्थ व्यंग्यार्थ तो वही रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ऐसा लगता है कि वह अपने या अपना दुख व्यक्त करे, लेकिन अंदर से वह एक प्रकार से लक्ष्मण को व्यंग्य या लक्ष्मण पर व्यंग्य कस रही है, लक्ष्मण को ताने दे रही है। तो ये व्यंग्यार्थ अर्थ पर आधारित होने के कारण वह नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से व्यंजना के दो भेद है, शाब्दी व्यंजना, और कुल मिलाकर जो शब्द शक्तियाँ है वह तीन है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा मतलब सीधा सरल अर्थ, लक्षणा मतलब रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अर्थ, और व्यंजना मतलब पहले दोनों ही अर्थ जब नहीं मिलेंगे तब तीसरा लगाए जाने वाला अर्थ। इस प्रकार से शब्द शक्तियाँ और उनके भेद है। आशा है आपकी समझ में आएंगे। धन्यवाद।